आधी घंटा हो गया हमें यहाँ पे, 45 मिनट तो हो ही गए, और ये बंदा अब बता रहा है भाई स्कूटी में चाबी अभी इधर आ गया यार। तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। भाई आज बहुत मजा आएगा क्योंकि आज हम दोस्त लोग मजनू के टीले जा रहे हैं, आयान है और अदरान है, और आज हम मजा करेंगे। और आज तो भाई फुल मतलब फुल मजा आएगा आज, और एक दूसरे की टांग खींचेंगे, जो कि पता है हम दोस्त जब मिलते हैं तो ऐसा करते हैं। भाई क्यों तुम लोग स्टार्ट नहीं हो रही? अबे स्टैंड नहीं लग रहा यार इसका। भाई इसकी एक कला है, स्टैंड लगाने की एक कला होती है, मैं तुम लोग को सिखाऊंगा। देख 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 ऐसे पकड़ा लगा दी। तो भाई इतने मुश्किलों के बाद फाइनली आ गए भाई मजनू का टीला। पूरे दुरासे दिमाग खराब किया है तुम लोगों ने। मुझे अंदर से फील आती है भाई कि मतलब किसी को तो मारा है ऐसे करके। मैं भी नहीं सहता। लेना आज ये बता तुझे क्या लेना है आज भाई? अबे तो भाई ये है एंट्री यहाँ की। खैर ये भी एक, ये यहाँ पर सुना है अच्छा कोरियन फूड मिलता है, मतलब चाइनीज टाइप जो भी है, हमें हमें तो तीनों एक ही लगते हैं वैसे भी। तो भाई आयान क्या लेना चाहोगे आप यहाँ से पहले ये बताओ। वो नहीं डाले आयान, मैं ये ले लिया आयान, बहुत बढ़िया लग रहा है आयान। भाई तो कुछ खिला रहा था बताओ। हाँ मैं आयान खिलाएगा, मैं लाया हूँ आयान यहाँ पर। सुअर कौन कुछ तो देख रहा है मुझे आयान। तो भाई वो डर रहा है मत कर। अबे हाँ ये ट्राई कर ले वैसे तो। अबे चेक तो कर ले, चेक तो कर ले एक बार मिक्की माउस वाली पहले। मिक्की माउस नहीं अच्छी है भाई, आखिरकार ले ही लिए कपड़े। भाई अब क्या खिला रहे हो? बहुत पैसा है, कहाँ लेके जाओगे इतने? 500 रुपए कहाँ लेके जाओगे इतना पैसा? आधी घंटा हो गया हमें यहाँ पे, 45 मिनट तो हो ही गए, और ये बंदा अब बता रहा है भाई स्कूटी में चाबी अभी इधर से इधर इधर चाबी रह गई। अबे चाबी रह गई, भागो मत। अबे दूसरी साइड आ गए, बहुत दूर है। अबे तू पागल है क्या यार? भाई दुआ करो इसकी स्कूटी में इसकी स्कूटी में चाबी लगी। ये बंदा जन्मों में एक बार स्कूटी लेके आता है एंड वो भी चली जाएगी। ये मजबूर है पर आप नहीं साले। भगा दिया यार तूने यार, हद होती है यार, बच्चे वाली यार को तो करता है तू। तो भाई फाइनली मैं ना निकल गया वहां से, हमने शॉपिंग वॉपिंग की और अब घर आ गया। अब मैं आ जा रहा हूँ वर्कआउट करने, आज गाड़ी में आया हूँ जिम। भाई पहली बार मतलब आज मैं गाड़ी में जिम आया हूँ खुद चला के। अभी चलते अंदर वर्कआउट करते हैं और भाई आज मजा आएगा। चले भाई। हाँ भाई ये बंदा ना इसने मेरे साथ एक्सरसाइज लगाना बंद कर दिया। भाई आपकी संगत में रहेंगे तो हमारी बॉडी बन जाएगी। भाई पूरा सिखाना भाई, शर्त दे तुम्हें पूरे जिम में कोई हरा दे इसको, पूरे जिम में कोई भी हैंड पावर में नहीं हरा सकता, रेसलिंग में। भाई नहीं, मैं तो खैर कभी नहीं हरा पाया, बाकी को पता नहीं। बॉडी वेट वाला तो चलो आज 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 कितना डेडलिफ्ट मार के दिखाओगे ये बताओ। भाई तो 170-180 तक मार लेते हैं भाई। आज तो भाई हमारा बैक ही मारने का मन है, और हम भी आज बैक ही लगाएंगे। तो पहले वॉक शुरू करेंगे फिर डेडलिफ्ट, इसके बाद बाकी जो एक्सरसाइज मारते हैं। क्या मतलब हुआ है जबरदस्ती मेरे को नीचे लाना, मेरी बैक के दिन खराब करवाना पूरा? अच्छा खासा ऊपर रील बना रहा था, खराब कर दिया मेरे बैक के दिन। वो तो तुम भाई हो इसलिए मैंने आ गया, नहीं तो मैं क्यों आता? पंचिंग करनी है क्या? क्या बनाऊं भाई? स्टार आप हो, हम थोड़ी हैं। व्यूज तो आप की वजह से आएंगे मेरे ब्लॉग में।
आप भाई, आपने व्यूअर्स को दिखाया भाई कैसे करते हैं, मुझे थोड़ी आता है, मैं थोड़ी पंचिंग करता हूँ, अलेक्स करता हूँ मैं। तुम आज मेरे को बॉक्सिंग सिखा रहे हो? हाँ, ऐसे करना है क्या भाई? तुम बॉक्सिंग चैंपियन थे क्या स्कूल में? अरे ये मुंह पे, ठीक है ना? हाँ, डन। ये डन, जैसे ये पैरल। हाँ, ये डन, ये डन, जैसे ये पैरल ना मुंह में तागा जाना चाहिए सबसे। तो लोगों बच के रहना मेरे से, अब मैं बॉक्सिंग सीखने वाला हूँ। तो भाई मसल पावर के साथ स्पीड होनी चाहिए इंसान के अंदर। अब खाली मसल बनाओगे, स्पीड नहीं होगी, क्या फायदा उस स्ट्रेंथ का यार? तो मैं थोड़ी कोई भोजिया मतलब डोनिया अपनी कमर में है ना भाई। मतलब भाई ताकत नहीं होती, स्ट्रेंथ नहीं होती यार, बॉडी स्ट्रेंथ होती है तो ताकत ज़्यादा है नहीं होती, वेट खा लेते हैं, रनिंग नहीं कर पाते, खासकर ये चीज़ें बहुत सारी आती है। मतलब हम लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए और ये भी होना चाहिए। अब मेरी बारी है, पकड़ना भाई से मैं शूज लगा। तो यार आज मैं भाई की वजह से आया, भाई ने तो इंसिस्ट किया था, मेरा बैग था, गाड़ी लेके आया था, पापा ले गए। पापा को इनसिक्योरिटी थी कि कहीं मैं ठोक ना दूँ, भाई होती है क्या करें भाई, टेंशन तो होती है माँ बाप को। अभी बस शूज लगा रहा हूँ, अभी मेरी बारी, मैं किसके साथ मारूंगा लेकिन। तो भाई आज भी हमारा मूड, थोड़ा बॉक्सिंग करिए पहले, थोड़ी इज्जत करिए। ओके, पहले मैंने बॉक्सिंग शुरू कर दिया।